हे गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग ऋषिकेश टू पौड़ी। फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा। हेलो दोस्तों, मैं सारा सामान पैक कर चुका हूँ अपना, और साथ ही मैं यहाँ पे शूज पहन के और चलते हैं आगे सफ़र की तरफ। जैसे कि आप देख चुके हैं, ये मेरा चार्जर छूट गया था और चार्जर को मैंने पैक कर लिया है, और साथ ही गाड़ी में सारा सामान रख चुका हूँ। और आगे का काफ़ी ये हेलमेट की आवश्यकता होती है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है। साथ ही मॉर्निंग का व्यू पॉइंट से यहाँ पे घुमाने वाले को, और ये ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन फ्यूचर में बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ेगा, और ये कर्णप्रयाग परियोजना से भी जुड़ेगा, जिससे कि देव आने वाले पहाड़ों में अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएगी। अभी बस और टैक्सी से अगर आपको जाना होगा तो आप लोग हरिद्वार और ऋषिकेश और देहरादून के लिए इस नेशनल हाईवे को नटराज चौक से ले सकते हैं, बट ये वाला रूट देवप्रयाग का है। ये नेशनल हाईवे है पूरा, ये बद्रीनाथ मार्ग के लिए जाता है। रोड यहाँ पे अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी टाइम में यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, जैसे कि आगे तोता घाटी में आपको दिखेगी। ये वाला व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है ऊपर से, और ये वाला मार्ग है जो ये नेशनल हाईवे का तोता घाटी मेन मुख्य पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि तोता घाटी में ही दिक्कत होती है यहाँ पे, यानी कि भूस्खलन होता रहता है, और साथ ही यहाँ पे ये चट्टान को काटने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी गवर्नमेंट को। ये पूरा देवप्रयाग का नज़ारा है। यहाँ पे देवप्रयाग स्पेशली, यानी कि देवप्रयाग में अलकनंद और भागीरथी नदियों का संगम होता है, और जो आगे जाके गंगा बन जाती है, जो आगे जाके ऋषिकेश और हरिद्वार में पूजन की जाती है इनकी शाम को गंगा आरती के रूप में, और यही पवित्र नदी बनती है पूरे भारतवर्ष की।